बागपत में लॉकडाउन 4 में शर्तों पर दी गई छूट के बाद पटरी पर लौट रहे शहर के जनजीवन पर फिर से कोरोना का काला साया पड़ गया है। बड़ौत कस्बे में सब्जी आड़ती और उसके भतीजे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शहर की कश्यप गली को पूरी तरह से हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। साथ ही क्षेत्र को सील कर लोगों को 21 दिनों तक घर से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी है। डीएम शकुंतला गौतम ने कहा कि कश्यप गली में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया है। हॉटस्पॉट एरिया से 500 मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन और उससे आगे 250 मीटर का बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट और बफर जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी भी तरह की गतिविधियां संचालित करने पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। मैं कस्बा बड़ौत जो है ये हॉटस्पॉट एरिया हो गया है, क्योंकि इस एरिया में पट्टी महर में पहले एक कोरोना पॉजिटिव आया था। वो जो है अब ग्रीन जोन का मैंने घोषित कर दिया, उसको ग्रीन एरिया घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त जो आपका सुभाष नगर एरिया है और एक जिसमें 6 एक साथ एक ही परिवार के पेशेंट आए थे, इसके अतिरिक्त जो आपका सुभाष गली है नेहरू रोड पर, उसमें 2 पेशेंट आड़ती आ गए हैं। तो ये एरिया जो है वो हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है जो और पूरी तरह से एरिया को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी गतिविधियाँ बंद कर दी गई हैं। सिर्फ हमारे सफाई कर्मी हैं या जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी की टीम है या जो चिकित्सा विभाग की टीम है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है, सैनिटाइजेशन कर रही है, नगर पालिका की टीम है या हमारी जो ड्यूटी पर तैनात जो मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की टीम है वही इस एरिया में जा रही है। तो इस तरह से पूरे एरिया को सील कर दिया गया और सारी गतिविधियाँ यहाँ पर बंद कर दी गई हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी तरह से की जा रही है जिन लोगों को, और होम क्वारंटाइन कर दिया, जो भी कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। उनके घर के बाहर जो है वो पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं ताकि लोगों को सभी लोग ये जान सकें कि किस किस घर में किस किस परिवार में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया। अच्छा, कितना दायरा है इसमें? देखिए ये हॉटस्पॉट का जो दायरा है, क्योंकि अब ये क्लस्टर हो गया इसलिए 500 मीटर का जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन है और बफर जोन जो है वो 250 मीटर का बफर जोन है। फिलहाल हॉटस्पॉट में सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के साथ साथ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि बागपत में कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।